हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। आज जुम्मा है, जुम्मा मुबारक। और आज मैं बना रही हूँ यखनी वाला पुलाव। मैं किस तरीके से बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ, चले आइए रेसिपी की तरफ। मैंने ऑयल डाला, प्याज डाली, इसे प्याज को फ्राई कर लिया, गरम मसाला डाल दिया। तकरीबन हमारी प्याज हो चुकी है। इधर दूसरे साइड पे मैंने यखनी चढ़ा दी, यखनी भी रेडी हो गई है। बस ये झटपट बनाऊंगी और बहुत इजीली बन जाती है। बस ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, मोटी लाल मिर्ची ली है साबित जो होती हैं इसको कूट लिया है, गरम मसाला, नमक, मिर्चें और इमली ली है सूखी। बस ये मसाले इसमें शामिल कर दूँगी और इसे अच्छे से पकाऊँगी। प्याज भुन चुकी है हमारी, बस ये मसाले इसमें शामिल करके इसे पकाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये यखनी वाला पुलाव तो झटपट और इजीली जल्दी बन जाता है। बस इसका मसाला भूनेंगे हम। और ये क्यूब डालूंगी थोड़ी सी यख इसमें प्याज में, इससे जायका आता है। बस ये थोड़ा सा लेकर ये देखिए आप पुलाव वाला डाल दीजिए या चिकन वाला डाल दीजिए, बस ये टुकड़ा लेके इसमें डाल देंगे हाफ इसका। पुलाव में टमाटर का हम इस्तेमाल नहीं करते, हम इसमें हमेशा दही डालते हैं। ये मैंने दही लिया, दही इसमें शामिल करते हैं। हरी मिर्ची लिए, हरी मिर्ची काट के डालेंगे। अच्छे से मसाला भून रहा है जब तक मैं हरी मिर्ची काटती हूँ। आप भी मेरे तरीके से बनाइएगा, बस झटपट बन जाता है। छह हरी मिर्ची लिए, हरी मिर्चों को काट के इसमें शामिल कर देंगे। दो दो पीसेस में काटेंगे, इससे बड़ा प्यारा जायका आता है हरी मिर्चों से। बस होममेड मसाले होते हैं शामिल करूंगी, नमक मिर्चें हल्दी सब। बस इसे अदरक लहसुन को अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए जनाब, अलग से मैंने यखनी तैयार कर ली है। यखनी में मैंने चिकन डाला है साबुत, गरम मसाला डाला है, लाल मिर्ची डाली है साबुत, बहुत गर्म हो रहा है। और उसके बाद लहसुन, अदरक साबुत और सौंफ और साबुत धनिया सब चीज़ें डाल के मैंने चढ़ा के ये हमारी यखनी रेडी हो गई है। बस इसे पकाने के बाद ही शामिल करते हैं। माशाल्लाह कुकिंग में आप 10 डिशे भी दे दें माशाल्लाह झटपट रेडी करके तैयार कर दूँगी, तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गई। बस ये मसाला भून रहा है और हम ये इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक साबित डालते हैं हमेशा यखनी में। ये देखिए लहसुन, बस हम इसे निकाल लेंगे लहसुन अदरक को।
गल चुकी है चिकन। पहले मैंने चढ़ा दी थी इसे ताकि रेडी हो जाए जल्दी जल्दी से। थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि लगे नहीं। बस अभी जो मैंने यखनी बनाई है ये इसमें शामिल करती हूँ। चिकन का बोल तो धनिया मसाला वगैरह मुँह में आता है तो मैं इसको पहले इसमें कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका पानी चले जाए फिर इसकी चिकन की बोटियाँ निकाल लूँगी। हाफ तो मैंने डाल दी, बस ये पानी अंदर गया, गर्म हो रहा है बहुत। बस ये जो चिकन की बोटियाँ हैं इसमें शामिल कर दूँगी। जुम्मे के दिन मैं अक्सर बनाती हूँ पुलाव, और ये लाल मिर्चें ये भी डाल दूँगी, टेस्ट आता है इसे भी बहुत प्यारा। बाकी ये सौंफ वगैरह है ना मुँह में आती है इसीलिए मैं छान लिया इसे। बस ये डालने के बाद इसे चमचा चलाएंगे। नमक देखूंगी बिल्कुल सही है नमक, और चिकन भी हमारी गल चुकी है, चिकन भी हमारी रेडी हो गई। मिक्स करके बनाते हैं वो भी झटपट बन जाता है पुलाव बिरयानी। और ये यखनी पुलाव बना रही हूँ बिल्कुल होममेड मसालों से। बस इसे और पानी शामिल करूँगी इसमें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है। इसी तरह हौसला अफज़ाई कीजिए। अल्लाह पाक आपको भी खुशाबाद रखे, खुशियाँ दिखाए सबको। आमीन आमीन। ये देखिए मैंने चावल धो के और एक साइड पे रख दी, इसका पानी निकाल रही थी। बस ये थोड़ा हो जाए फिर बस इसे शामिल कर दूँगी और बस अब इसे हम दम दे देंगे। तो आज जुम्मा है, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़िए, बहुत सवाब है, बहुत फजीलत है। अल्लाह पाक हम सबको नमाज़ कुरान पाक पढ़ने की तौफीक दे। तो नमाज़ तो खैर फ़र्ज़ है सब पे, सबको अल्लाह पाक तौफीक दे नमाज़ पढ़ने की, नमाज़ की और कुरान पाक पढ़ने की। हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है कि नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, गुनाहगार हैं बस, सबके अल्लाह पाक इबादतों को कबूल करे, जुम्मे के सदके हमारी अल्लाह पाक हम सबकी बख्शिश करे। आमीन सुम्मा आमीन। इस जुम्मे के सदके हमसे जो पहले लोग गए, बड़े बड़े वली अल्लाह के नेक बंदे, उनका तो काम ही यही था दिन रात इबादत करना, हकूक अल्लाह हकूक अलबाद, लोगों का ख्याल करना और इबादत करना ज़्यादा से ज़्यादा। हम तो कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह पाक हमें भी हिदायत दे, तौफीक दे अल्लाह पाक हम सबको। बाकी जानना है, सब ने जानना है, दुनिया फ़ानी है, ज़िंदगी फ़ानी है। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ करे बस दुनिया के। बस ज़िंदगी के साथ इंसान की दुनिया होती है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो दुनिया भी ख़त्म हो जाती है, फिर एक और दुनिया होती है कब्र में मौत के बाद की। तो हर बात का सवाल का जवाब देना है, वहाँ अल्लाह पाक कामयाबी दे हम सबको। आमीन सुम आमीन। ये अच्छे से हमने पका लिया, मिक्स हो गए सब मसाला। बस अभी जो मैंने राइस वॉश करके रखे हैं बस ये इसमें शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम होते हैं, भाप आती है ऊपर।
भीगे हुए हैं तो बस मुनासिब डालूंगी पानी कि अच्छे से ये डीप हो जाए, क्योंकि भीगे हुए होते हैं ना फिर वो टूट जाते हैं। बस ये मैं मिक्स करने के बाद पुलाव भी बहुत मज़े का बनाती हूँ यखनी का, मैं काश मैं आपको खिलाती, तो आप भी चले मेरे मेथड से बनाइएगा। अब मैं इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, 5 या 4 मिनट के लिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे। बस तकरीबन 4 मिनट बाद इसे खोल के देखते हैं, चेक करते हैं। इतनी देर में मैं सैलेड बना रही हूँ और इसके साथ में रायता बनाऊँगी। रायता भी बस हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा सा लहसुन, जीरा, नमक, इसको ग्राइंड कर लूँगी और बस हमारा रायता रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे ना मिर्चें कम लगी थोड़ी सी, तो इसके लिए जो मोटी खुटी लाल मिर्ची होती है बस ये 1 चम्मच शामिल करूँगी। हम लोग बस नॉर्मल खाते हैं हमारे घर वाले, लेकिन मैं बहुत तेज़ खाती हूँ मिर्चें, तेज़ पसंद है स्पाइसी। इसका पानी जब तक ड्राई होता है इसे थोड़ी देर के लिए, हो चुके हैं। बस अब इसे दम देती हूँ। तकरीबन चावलों का पानी खुश्क हो चुका है, बस अब इसे दम देती हूँ। बस अब जो रह गया है वो दम, बस इसे हल्की आंच कर देंगे। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे। बस ये जनाब मैंने टमाटर काट लिए और अब मैं खीरा काट रही हूँ। सलाद अच्छी लगती है और रायता भी, दही का रायता हो, पुलाव बिरयानी के साथ, या सलाद हो, अचार हो, अच्छा लगता है, मज़ा आता है। बस ये खीरे काट लूँगी इसमें और दम दे दिया मैंने पुलाव को, दम हो जाए आपको फिर दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह बनाया है, कैसा बना है। बस ये करने के बाद अब मैं प्याज काटूँगी। बाज़ लोग अक्सर जुम्मे को बनाते हैं पुलाव या बिरयानी, अच्छी लगती है। अल्लाह पाक नसीब करे, ज़िंदगी है तो इंसान खाता है पीता है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो खाना पीना, जिसका जितना अल्लाह पाक ने कहा है ना दुनिया में खाना पीना दाना पानी लिखा है तो इतना खाएगा। तो बस अल्लाह पाक सबको नसीब करे। मैं तो यही देख के किसी का कुकिंग देखूँ तो यही कहती हूँ अल्लाह पाक इनको नसीब करना खाना, माशाल्लाह कहना चाहिए और यही दुआ देनी चाहिए अल्लाह पाक इनको नसीब करे। बस ये बारीक बारीक मैं काट लूँगी प्याज और नमक डाल के अच्छे से वाश आउट कर लूँगी। मैंने कल क्रीमी कोरमा बनाया था, मेरे घर वालों को मेहमानों को बहुत पसंद आया, सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे। मैंने रेसिपी दी है, बहुत ज़बरदस्त बनता है, कोयले का स्मोक उसमें, पहले हमने वैसे चिकन को मसाले में भून लिया, फिर क्रीम डाला, एंड में क्रीम डाली, क्रीम डालने के बाद थोड़ा सा ऑयल डाल के क्रीम को ऑयल में भून लिया, फिर वो अच्छे से जब भून गया तो हमने इसमें कोयले का स्मोक दे दिया। आप भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, सब ने बहुत तारीफ़ की, मेरे घर वालों ने, अक्सर बनाती हूँ मैं तो क्रीमी कोरमा, जो जो बनाती हूँ रेसिपी दे रही हूँ, आप भी ट्राई कीजिएगा और आपको भी पसंद आएगा। मैंने भी सुबह नाश्ते में रखा हुआ था थोड़ा सा सालन, सालन के साथ नाश्ता किया, ऑमलेट बनाया,
चाय थी सुबह, और फिर रात को डेजर्ट बनाया था मैंने। रेसिपी दी है खीर, खीर में सिवैयाँ अभी रखी हुई, रात को मैंने रख दिया था, फिर ठंडा अच्छा लगता है फ्रिज में रखा हुआ। बस ये बारीक बारीक प्याज काट लूँगी। बस इसके बाद प्याज को मैं नमक से वॉश करूँगी ताकि इसमें जो प्याज की तेज़ी होती है नमक से ख़त्म हो जाती है। अच्छे से नमक डाल के इसे थोड़ी देर छोड़ देते हैं और फिर अब इसे मिक्स करेंगे ताकि नमक अच्छे से इसमें शामिल हो जाए। बस अभी से वॉश आउट कर लूँगी। बस ये जो मैंने प्याज वॉश आउट की है ये इसमें रख दूँगी सलाद के साथ। एक लेमन डालूँगी, आपने देखा होगा लेमन का मैं इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादा, मुझे अच्छा लगता है और फ़ायदे बहुत हैं लेमन के। बस ये इसमें डाल दूँगी। बस ये हमारी सैलेड रेडी हो गई है और हम पुलाव को चेक करते हैं अपने। और इसमें सलाद बनाती हूँ मैं, थोड़ा सा इसमें नमक डाल देती हूँ। तकरीबन 10 मिनट हमारे गुजर चुके हैं, अब मैं पुलाव को देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। चलिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा पुलाव रेडी हो गया। ये देखिए माशाल्लाह खिले खिले से चावल बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत मज़े का बना है। ये देखिए खिला खिला सा, बहुत मज़े का। ये देखिए क्लोज़अप इसका, देखिए चिकन में। आप भी बनाइए, बस तकरीबन झटपट बना है। ये देखिए बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा है चिकन का पुलाव। चिकन का पुलाव बहुत मज़े का जायका है इसका। आप भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अल्लाह पाक आप सबको खुशाबाद रखे। मैं भी अब जाऊँ, नमाज़ पढ़ूँ, कुरान पाक पढ़ूँ। ये देखिए ये सलाद बनाइए और अभी रायता बनाऊँगी। बस मैंने खीरे लिए, प्याज लिए और टमाटर, बस इन तीन चीज़ों का। और पुलाव मज़े का इंजॉय करूँगी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए, कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुशाबाद रखे, सबके घर खुशियाँ रखे, खुशियाँ करें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।